राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है राजबाला और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने खूबसूरत शहर यूपी किसान नोएडा से। तो दोस्तों चलिए, कबाड़ आपको दिख ही रहा है, दीपावली के लिए कुछ अच्छा बनाते हैं। कबाड़ से लगाते हैं जुगाड़, ये तो आपने कई बार सुना होगा, कबाड़ से लगाएंगे जुगाड़। लेकिन आज जुगाड़ क्या लगाएंगे ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए कुछ ना कुछ तो बनेगा, और मैं सोच रही हूँ कुछ ऐसा बनाऊं जिसमें हमारा ज्यादा खर्चा भी ना है, बेकार चीजें पड़ी हैं उसी से सारी चीजें बन जाए। तो दीपावली पर अपना घर सजाने के लिए सबसे पहला आइटम मैं क्या बना रही हूँ वो आपको दिखाती हूँ। तो आपके भी घर में इस तरह के डब्बे रक्षाबंधन पे जरूर आए होंगे, घेवर वाले। तो मेरे पास ये पता है अभी तक आपने ये डब्बे नहीं रखे होंगे और ये पक्का फेंक दिए होंगे, और ये बहुत ही काम आने वाले हैं हमारे। ऐसे लग रहा है जैसे नाक की पिटारी हो, जाते थे ना पहले सवेरे ऐसे नाक बंद करके। इसमें मेरे पास एक डब्बा घेवर का, तो चलिए सबसे पहला डीआईवाई बनाने के लिए बताते हैं क्या क्या मिल जाएगा। तो ये है मेरे पास एक घेवर का डब्बा, और हमें चाहिएगी एक ये प्लास्टिक की बोतल। सारे आइडिया हैं और भी बहुत सारे डीआईवाई चाहिएगा, मत चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। और ये वीडियो आपको पसंद आए, आपके काम की है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब जो करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर भी करिएगा, ताकि दीपावली आने से पहले पहले सभी लोग अपने घर के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा पाए और फ्री में ये डीआईवाई बना पाए। तो चलिए देरी किस बात की, बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहला डीआईवाई हम बनाएंगे इस घेवर के डब्बे से। जो इसके कोने हैं उस पर मैंने पेपर टेप लगा लिए ताकि ये और अच्छी तरीके से मजबूत हो जाए। और ये है मेरे पास एक वॉल पेपर, जो आपने देखा होगा मेरी जो बेडरूम है उसमें लगा हुआ है, उसी का बचा हुआ है। तो उसी से आज मैं ये बहुत ही अच्छा डेकोर पीस बना रही हूँ घर के लिए। तो मैंने इसके साइज का कट कर लिया है, और ये एक एक इंची मैंने बड़ा कट किया है, क्योंकि अंदर की तरफ और बाहर की तरफ ये मुझे मोड़ना है। तो चलिए दिखाती हूँ कैसे, और फेविकॉल लगाऊंगी और फेविकॉल लगा के इसे चिपका दूंगी इस पर अच्छी तरीके से। आप चाहो तो अंदर की तरफ भी चिपका सकते हो, लेकिन मुझे ये बाहर की तरफ ही चिपकाना था, और बाहर की तरफ मुझे ज़्यादा दिखाना है, अंदर मेरा इसमें कोई काम नहीं है, तो इसलिए मैंने अंदर से ऐसे ही छोड़ दिया। क्योंकि DIY क्या होते हैं, घर पे हम बदलते रहते हैं, दो चार महीने के बाद फिर नया कुछ बनेगा घर में, फिर ये अलग मैं हटा दूंगी और नया कुछ रख जाएगा। तो इसलिए मैंने ये सिर्फ दिवाली के लिए बनाया है। आप चाहो अगर और मजबूत करना चाहते हो तो अंदर की तरफ भी पेपर लगा सकते हो। तो बस अब इस पर हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ फेविकॉल की हेल्प से इसे पेपर को हम चिपका लेंगे। आप चाहो तो ग्लू गन की हेल्प से भी चिपका सकते हो, लेकिन मुझे ये पेपर जो है फेविकॉल से ही चिपकाना अच्छा लग रहा है। तो चलिए इसको चिपकाते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। उसके बाद मैंने इसमें हल्के हल्के कट लगा लिए, और दोनों तरफ को इसे मोड़ लेंगे, बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ। और बाहर की तरफ एक पेपर अभी मुझे और लगाना है, ताकि जो फिनिशिंग है एकदम अच्छी आए, और देखने में ये ऐसा ना लगे कि हमने घर पे बनाया है। जो भी इसे एक बार देखे आपसे ज़रूर पूछे कि आप इस पीस को कहाँ से लेके आए हो। याद रखिए दोस्तों, जो भी पीस आप घर पे बनाते हैं वो मार्केट में नहीं मिलते हैं, ओनली वो आप ही के पास मिलेंगे, क्योंकि उनके कोई भी जो है कॉपी नहीं होती है। मार्केट में जो सामान आता है उसकी बहुत सारे मतलब पीस आते हैं, और जो हम घर पे बनाते हैं वो वन पीस होता है। जो आपके पास है वो किसी के पास नहीं मिलेगा। इस तरीके से लगभग हमारा जो डेकोर पीस है वो तैयार है, और हम अब इसमें एक प्लास्टिक की बोतल मैंने छोटी वाली कट कर ली है, जो एक लीटर की आती है, तो आपको दिख ही रहा है, उसको ब्लैक कलर से मैंने कलर लिया, और कलर मैंने अंदर की तरफ किया है। आप चाहो तो बाहर की तरफ भी कर सकते हो। अंदर की तरफ करने से फ़ायदा ये है कि इसमें थोड़ी सी शाइनिंग रहेगी, और इस तरीके से मैंने होल करके और इसमें लगा दिया, और अंदर से इसमें मैं ढक्कन भी लगा दूंगी। अगर आपको कुछ नहीं रखना है इसमें तो ऐसे ही रखना है तो आप ढक्कन लगा दीजिए, अगर आपको इसमें गुलदस्ते लगाने हैं तो ढक्कन को आप हटा दीजिए। तो ये देखिए, इसको लगाकर मैंने ये मजबूत कर लिया है, बहुत ही प्यारा पीस है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। और चलिए अब मैं आपको ये गुलदस्ते लगा के दिखाती हूँ कि देखिए देखने में कितना प्यारा लग रहा है।
आपको यकीन नहीं आएगा कि हमने ये घर पे बनाया है। ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है। फूल आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसे भी आप अपने घर के लिए बना रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे DIY की तरफ। यहाँ पे मैंने आधी बोतल कट करके उसको पेंट कर लिया और 10 मिनट में ये सूख गई है। उसके बाद मैंने इस पे जो ग्लू गन होती है उसकी हेल्प से मैंने इस पे डिजाइन बनाई है इस तरीके की। और ये जो तार तार से आपको दिख रहे हैं ना, ये हाथ से आराम से हट जाते हैं। और एक बार मैंने पेंट कर लिया है और एक बार इस पे डिजाइन बनाने के बाद दोबारा से मैं पेंट करूंगी और उसके बाद मैं क्या करूंगी फिर देखिए। आपको ये समझ लिए ऐसे लगेगा कि घर पे जो अपनी चीजें बनाई है आप वो मार्केट से लेके आए हैं और जो लोग मार्केट जाएंगे उनको मिलेंगी नहीं, ओनली आपके पास ही रहेंगे, क्योंकि आपने ये घर पे बनाई है। बहुत ही बिल्कुल जीरो खर्चे में बन जाती हैं। घर पे हमारे ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पड़ी रहती हैं और जो हमारे मतलब किसी काम की नहीं होती हैं और हमारा ध्यान नहीं जाता उनकी तरफ। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा गोल्डन कलर से मतलब जो गोल्डन कलर है उसका टच दे दिया। अब देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये पीस। और मैंने एक मेरे पास ये लेस पड़ी थी तो ऊपर मैंने ये लेस लगा दी है। अब ये हमारा गुलदस्ता जो बास है वो बिल्कुल तैयार है और इस तरीके से हम इसमें देखिए गुलदस्ता लगा सकते हैं। तो फूल मेरे काफ़ी पुराने हैं, ये अब के नहीं है, कम से कम 8-10 साल हो गए इन फूलों को। तो मैं सोच रही हूँ दीपावली पे कुछ नए लेके आऊँगी फूल, लेकिन फिलहाल मैं इन्हीं को रख के दिखा रही हूँ, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। चलिए एक और पीस बनाते हैं। दो पीस हमारे बन गए हैं, एक और पीस बनाते हैं। यहाँ पे मैंने 2 लीटर की बोतल ली है, उसको कट कर लिया है और ये मैं बना रही हूँ डेकोर। जो लैम्प हैं आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग हैं इस तरह की लैम्प, और अगर मार्केट में आप लेने जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा महंगी आती हैं, आसानी से आप इनको नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन यही चीज़ हम घर पे बिल्कुल फ्री में बना सकते हैं। तो बोतल को मैंने पेंट कर लिया, उसके बाद सुखा लिया और उसके बाद मैं इस पर फिर से ग्लू गन की हेल्प से हल्की सी डिजाइन बनाऊंगी, ये देखिए। और यहाँ पे जो डिजाइन आप बनाएंगे तो इसको थोड़ा थोड़ा गर्म करिएगा, ज़्यादा गर्म मत करिएगा और हल्का हल्का ही चलाइएगा। देखिए दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने थोड़ी सी ये डिजाइन मोटी बनाने की कोशिश करी थी तो ग्लू गन जो होती है गर्म होती है, पिघल जाती है, प्लास्टिक की होती है, उसकी वजह से प्लास्टिक की हमारी बोतल है तो ये हल्की सी दब गई अंदर की तरफ को। हाँ अगर आप कांच की बोतल पे बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कितनी भी मोटी डिजाइन निकाल सकते हैं। तो चलिए अब इसको भी हम दोबारा से पेंट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दोबारा से पेंट कर लिया है और इस पर भी मैं जो गोल्डन कलर है गोल्डन का ही थोड़ा सा टच दूंगी, ये देखिए। और ये पीस बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि अभी आप मार्केट से लेके आएंगे ना तो ये समझ लीजिए कम से कम एक पीस आप 1000 से 1200 रुपए में लेके आएंगे। और ये जो पीस है आप घर पे बनाएंगे, ये किसी और को मार्केट में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपने घर पे बनाया है तो आपके ही पास है, ये सिर्फ आपके पास जो है ये वन पीस है। तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे आइडिया आप लगाते रहिए, अपने पैसे को बचाते रहिए। पैसा कमाना कोई आसान बात नहीं है, जो चीज़ें घर पे फ्री में बन सकती हैं उनके लिए पैसे किस लिए खर्च करना। तो यहाँ पे मैं 2-3 लेस दिखा रही हूँ आपको, आपको जैसा भी अच्छा लगे वैसी लेस लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो भी ये बोतल बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगी। आप इसे बालकोनी में लगा सकते हैं, अपने लिविंग एरिया में लगा सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसे कहीं भी हैंग कर सकते हैं। और इसमें हमें छोटा सा बल्ब लगा देना है और इसे आप बालकनी में टांग देंगे तो आपको खुद ही विश्वास नहीं होगा कि ये आपने घर पे बनाया। तो चलिए सारे ही पीस तैयार हैं, अब एक एक करके आपको दिखाती हूँ। तो पहला पीस है हमारा ये जो हमने घेवर के डब्बे से बनाया था, और दूसरा पीस है हमारा ये 2 लीटर की जो बोतल थी पेप्सी की उससे बनाया, और तीसरे जो हमारा पीस है वो आपने देखा 1 लीटर की बोतल थी पेप्सी की उसी से बनाया था। तो लगभग हमने 3 पीस तैयार करे हैं आज दीपावली के लिए। ऐसे ही धीरे धीरे आने वाले समय में एक से बढ़कर एक DIY मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी, जो भी मेरे दिमाग में आइडिया आते रहेंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगे, ये DIY आपके काम के, आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ताकि दीपावली आने से पहले पहले सभी लोग अपने घर में कबाड़ से जुगाड़ लगाकर जीरो खर्चे में एक से बढ़कर एक पीस बना पाएं। तो देखिए अभी मैं अंधेरे में दिखा रही थी आपको, अब मैं रोशनी में दिखा रही हूँ। जहाँ पर भी आप इस पीस को लगाएंगे ना वहाँ की खूबसूरती अपने आप ही बढ़ जाएगी। अब मैं इसको आपको बाहर ले जाके भी दिखाऊंगी बालकोनी में, क्योंकि अंदर थोड़ी सी लाइटिंग की कमी रहती है। ओके दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज के DIY आप लोगों को जरूर पसंद आए होंगे। पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा आपको कौन सा DIY सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।